लव भाई, फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। इतनी देर से आपको देख रहे थे कि ग्रैंड फाइनल में तो पहुंच रहे हो आप, बट जीत नहीं पा रहे हो। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं फाइनली आज ग्रैंड फाइनल में भी आके और वीकेंड समिट जीत कर भी? सर आज बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। मैं दो बार पिछली बार फाइनल में लॉस्ट हो चुका था, लेकिन सर इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करूंगा अपनी तरफ से, और इस बार मैं टूर्नामेंट को जीतने का पूरा प्रयास करूंगा। तो जब मैंने WCC गेम को देखा तो मैंने उसको सोचा कि मैं इसमें खेल सकता हूँ। तो मैंने सिंपली इसमें कम से कम 5-6 महीने तक प्रैक्टिस की, और फिर मैं इसमें थोड़ा बहुत अच्छा खेलने लग गया। उसके बाद मैंने सोचा हर एक वीकेंड समिट में मैं पार्ट कर सकता हूँ, विन भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, जब मैं दो बार थोड़ा सा फाइनल में अपनी सर पे आ गया। लेकिन इस बार मैंने पूरी कोशिश करने की कोशिश की कि अपनी आ जाए कोई भी आए, मैं थोड़ा अपने मन से अच्छा खेलूंगा और विन करने की कोशिश करूँगा। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा दैट आपके पेरेंट्स का क्या राय है? वो भी देखते होंगे कि यार खेल रहा है लड़का बट जीत नहीं पा रहा, तो निराश हो जाता है। तो आपको गेमिंग में कितना सपोर्ट करते थे और आज के बाद क्या और करेंगे? सर गेमिंग में मेरे को सर पूरी फैमिली मेरे को पूरा सपोर्ट करती थी। जब से मैंने MPL गेम खेलना स्टार्ट किया था तो बोलते थे कि 2-3 घंटा तुझे खेलना है तो भले खेल, लेकिन ज़्यादा टाइम तो नहीं खेल सकता। लेकिन अभी जब मैं वीकेंड सबमिट में खेलता हूँ तो बोलते हैं चल कोई बात नहीं खेल ले, पर पढ़ाई भी जरूरी है, साथ साथ पढ़ाई भी तुझे करनी चाहिए। बट मैं अब आपसे थोड़ा रुक करना चाहूंगा आपकी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। आज क्या अलग स्ट्रैटेजीज दिमाग में लेकर आए? स्ट्रैटेजी सर मेरी यही थी, मैं बाबलेस मोरे से पहले भी सर WCC में गेम खेल चुका हूँ, जहाँ पर बैटल होती है। तो वहाँ पर बाबलेस मोरे की मुझे एक थोड़ी सी वीक लाइन लगी थी कि वो फास्ट बॉलर पर थोड़ा सा सही से अप्रोच नहीं कर पाते, हिटिंग नहीं कर पाते फास्ट बॉलर को। सिंपली मैंने अपने फर्स्ट मैच में उनको फास्ट बॉलर लिया, तो उनको लास्ट बॉल मैंने थोड़ी अच्छी बॉल कटर बॉल फेंकी, तो वो लास्ट बॉल पे आउट हो गए। तो मेरे 31 रन का टारगेट थोड़ा ईजी हो गया, फिर मैंने उसको चेज कर लिया। मैचेस के बारे में बात करते हैं, क्वार्टर फाइनल में अथर्व से भिड़े आप, सेमीफाइनल्स में भी किसी और भावेश से आप भिड़े ग्रैंड फाइनल में। सबसे टफ कंपटीशन कौन था और किसने दिया? सबसे टफ कंपटीशन मेरा विकी के साथ था, क्योंकि जो विकी के साथ था उसमें मैंने एक गलती की थी, मैंने उनको एक बाइट फोर दिया था लास्ट बॉल पे। जी तो सर उससे क्या होता, उसके 34 रन बन गए थे, तो मेरे को सर 6 बॉल में 6-6 मारने थे जीतने के लिए सेमीफाइनल में। तो मैंने सर जान हथेली में रखकर 6 बॉल में 6-6 मारे, तब जाके मेरे को थोड़ा सुकून मिला सर। बट यूजुअली आपका वीकली एवरेज क्या रहता है अप्रॉक्सीमेट? सर वीकली मेरा एवरेज रहता है सर, वीकली से नहीं मंथली सर, मेरा 40,000-50,000 करीबन मेरा निकल जाता है MPL से मंथली का। तौबा तौबा, 40,000-50,000 आप मंथली निकाल रहे थे MPL से, और यहाँ वीकेंड समिट भी जीत लेते हो। हमें लग रहा है केशव भाई हम लोग गलत लाइन में आ गए, बट चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत खुश है हम यहाँ पे। बट जाते जाते MPL के लिए कुछ अगर शब्द कहना चाहें तो वो क्या होगा? MPL की सर मैं यही कहना चाहूंगा, MPL ने हमारे ऐसे युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिससे हम अपने स्किल को अच्छा खेलकर और काफी अच्छा खासा ऐसे रन कर सकते हैं। और इसमें सर बहुत सारे गेम्स हैं, आप जिसमें चाहो उसमें प्रैक्टिस करके आप इस गेम के प्रो बन सकते हो, और बहुत सारी प्राइस यहाँ पर टूर्नामेंट डेली सीरीज वीकेंड समिट भी हुए WCC में, तो आप आराम से यहाँ पर प्राइस अर्न कर सकते हो और बड़ा अमाउंट यहाँ से विन कर सकते हो। बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप, एंड थैंक यू वेरी मच लव भाई, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद हमें टाइम दिया, हमसे बात करी, अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताई और आपने मोटिवेट किया हमारी ऑडियंस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जाएंगे, आप जाइए और फटाफट जाके अपने पेरेंट्स को बता दीजिए दैट आज आप कितना बड़ा प्राइज अपने लिए लेकर आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, उम्मीद करूंगा अगली बार यही इंटरव्यू आपके साथ वापस से ले रहे हैं। मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आपके साथ मुलाकात दोबारा। डेफिनेटली, थैंक यू लव, धन्यवाद सर, धन्यवाद।